तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पिवट टेबल। तो आज हमारी इस क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पिवट टेबल कि आखिर पिवट टेबल का हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं और पिवट टेबल का क्या बेनिफिट है, इनके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, पिवट टेबल। पिवट टेबल से पहले हम रिपोर्ट के बारे में जिक्र कर लेते हैं कि रिपोर्ट क्या होता है। रिपोर्ट इज द समरी ऑफ द डेटा, किसी पर्टिकुलर डेटा को किसी एंगल पे समराइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारा डेटा, जो भी हमारी रिपोर्ट होती है, किसी न किसी डेटा या किसी न किसी एंगल पे समरी की हुई होती है, तो हम कह सकते हैं कि रिपोर्ट इज द समराइज ऑफ द डेटा। और पिवट टेबल क्या है? वी कैन यूज द पिवट टेबल फॉर एनालाइज द डेटा, समराइज द डेटा एंड रिप्रेजेंट ऑफ द डेटा। तो हम अपने रिपोर्ट्स को, अपने डेटा को रिपोर्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए मोस्टली हम पिवट टेबल का इस्तेमाल करते हैं। तो पिवट टेबल का इस्तेमाल किसके लिए होता है? रिपोर्ट बनाने के लिए होता है, मतलब डेटा की समरी, मतलब कोई इंफॉर्मेशन निकालने के लिए होता है। तो चलिए हम वही चीज करते हैं, लेकिन उससे कुछ पिवट यूज करने से पहले आपको कुछ चीजें समझनी होगी। सबसे पहले आपको समझना होगा डेटा क्यों, क्योंकि हम डेटा को एनालाइज और समराइज कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा डेटा आखिर क्या है। तो आपके सामने जो डेटा है वो डेटा है कि एक सेल्स का डेटा है कि किस क्वार्टर के किस जोन में किस डेट को किस सिटी के किस सेल्स मैनेजर ने, किस सेल्स पर्सन, जो हमारे सेल्स ऑफिसर्स होते हैं, सो किस टाइप के कैटेगरी के कस्टमर, जैसे कि कॉर्पोरेट है, इंडिविजुअल है, एसएमई है, एनजीओ, गवर्नमेंट है, और उसमें जो कस्टमर का मतलब ये क्या था, मेल था या फीमेल था, और कौन सा प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी कितनी एमआरपी पे बेचा गया और क्या रेवेन्यू जनरेट हुआ, सिंपल सा डेटा हमारे सामने। तो डेटा को समझने के बाद एक चीज, दूसरी चीज आती है कि इससे हम इंफॉर्मेशन क्या चाहते हैं, राइट सर, इससे इंफॉर्मेशन क्या चाहते हैं। अब जैसे कि प्रोडक्ट की बात करो तो बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि जेंडर वाइज होते हैं, कुछ प्रोडक्ट मेल सिर्फ मेल यूज करते हैं, कुछ मेल फीमेल यूज करते हैं। तो मान लीजिए कि अगर कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है, तो कंपनी इस चीज को जानना चाहती है कि हमारे पास मेल कस्टमर कितने हैं और फीमेल कस्टमर कितने हैं। तो सिंपल सा हमें एक रिपोर्ट चाहिए कि हर जोन वाइज, कि हर जोन में कितने कस्टमर मेल हैं और कितने कस्टमर हमारे फीमेल हैं। एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन हमें निकालनी है। अब पिवट टेबल लगाने के बाद दो चीज और देखा जाता है डेटा के अंदर। पहली चीज कि आपकी जो डेटा है वो डेटा हेडिंग, उसका उस डेटे का जो हेडिंग है वो हेडिंग ब्लैंक नहीं होना चाहिए। उस डेटे का अगर हेडिंग ब्लैंक है तो नहीं लगेगा, क्योंकि पिवट टेबल हेडिंग के अकॉर्डिंग ही चलता है। और दूसरा, आपके डेटा में कोई रो ब्लैंक है तो फिर आपको पूरा डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंट्रोल ए पे चलता है, करेंट रीजन पे चलता है, तो आपका वो जो ब्लैंक है उससे ऊपर का डेटा ये कर देगा, आपका पिवट लगा देगा, नीचे का डेटा को कंसीडर नहीं करेगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम सिलेक्ट करेंगे पिवट टेबल को, डेटा को सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो पिवट टेबल में हम, चलिए पिवट टेबल निकालते हैं। तो पिवट टेबल पे हमने जस्ट क्लिक किया। पिवट टेबल से पहले एक और चीज आपके सामने, रिकमेंडेड पिवट टेबल, इसके बारे में भी जान लीजिए। रिकमेंडेड पिवट टेबल क्या होता है कि आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपके ऊपर जो डेटा है उस डेटा में जितने भी पिवट टेबल लग सकते हैं वो आपको यहाँ बताता है कि इस डेटा के ऊपर इतने तरह का पिवट टेबल लगाया जा सकता है। अब इसमें से जो आपके लिए सुटेबल लगता है कि हाँ ये चीज होनी चाहिए वो यूज कर सकते हैं। अगर इसमें से कोई पिवट आपको पसंद नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, रिकमेंडेड पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे, सॉरी इस पे पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे एंड ओके कर देंगे, ताकि आपका एक पिवट जो है एक अलग सीट पे लगा देगा। तो जैसे ओके करेंगे एक नई सीट पे आपका पिवट टेबल आएगा। पिवट टेबल में कोई खास बड़ी चीज नहीं है, क्या करना है, बस ये आपका पिवट एरिया है, ये आपके
हेडिंग्स है और ये आपके चार लोकेशंस है, इन चारों में से एक में रखना है उठाकर, जैसे जैसे यहाँ पे रखेंगे ऐसे ऐसे पिवट बनता जाएगा। तो हेडिंग के अकॉर्डिंग चलता है, इसलिए हमने बोला था कि फील्ड का हेडिंग ब्लैंक नहीं होना चाहिए, ब्लैंक होता तो फिर यहाँ पे दिक्कत होती, इसलिए पिवट लगता ही नहीं। तो हमें चाहिए जोन वाइज मेल फीमेल की क्वांटिटी, कितने काउंट है। तो हमने यहाँ पे जोन को रो में रखा, जोन को रो में रखा ताकि जोन का लिस्ट आ गया। अब यहाँ पे डेटा में देखिए कि आपके सामने इस कॉलन में एक जोन कई बार रिपीटेड है बट यहाँ पे सिर्फ एक बार आ रहा है। उसके बाद मुझे काउंट चाहिए किसका, सब कैटेगरी का। तो सब कैटेगरी को उठा के मैंने वैल्यू में रखा। अब वैल्यू में क्यों रखा जाता है, देखिए जिस फील्ड के ऊपर आपको काउंट सम इफ ऐसे जो कैलकुलेशन करने हैं उस कैलकुलेशन के लिए हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बट मुझे मेल और फीमेल दोनों का चाहिए, तो मैं कैटेगरी को उठा के एक बार और कॉलन में रख देता हूँ सब कैटेगरी को। तो हमारे पास मेल के कस्टमर और फीमेल कस्टमर दोनों कस्टमर का यहाँ टोटल दिख गया है। अब इसमें इसको रिपोर्ट, क्योंकि ये तो इन्फॉर्मेशन निकली है लेकिन इसको रिपोर्ट तो नहीं कहा जा सकता। रिपोर्ट के लिए आप यहाँ ये कह सकते हैं, यहाँ पे इस जैसे जोन है इसको जोन में कन्वर्ट कर दीजिए, लिख दीजिए जोन मेल फीमेल एंड ग्रांड टोटल टोटल कॉलम लेवल, यहाँ पे लिख सकते हैं सब टो सब कैटेगरी या कुछ और देना चाहे दे सकते हैं। इसके बाद इसकी फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग करना चाहे, अब देख किसी पिवट टेबल की फॉर्मेटिंग जो है आप नॉर्मली कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल डेटा की फॉर्मेटिंग करते हैं ना, कलर ले लिया बॉर्डर ले लिया, इस चीज आप कर सकते हैं। लेकिन अगर रिपोर्ट एज ए पिवट टेबल भेज रहे हैं तो दिक्कत है, क्योंकि जैसे आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो डेटा आपका अपडेट होगा तो आपका फॉर्मेटिंग रिसाइज हो जाएगी, मतलब कि फॉर्मेटिंग साली हो जाएगी। मान लीजिए आपने फॉर्मेटिंग किया हुआ है यहाँ 9 तक, डेटा 9 तक है 10 तक है, लेकिन कल के डेट में बढ़ गया डेटा 15 तक आ गया, तो इतना डेटा तो नॉन फॉर्मेटिंग रह जाएगा ना, तो फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होते हैं पिवट टेबल के अंदर। तो अगर फॉर्मेटिंग करना है तो पिवट टेबल पे क्लिक कीजिए और क्लिक करते यहाँ ऊपर पिवट टेबल टूल्स के अंदर डिजाइन में आपको दिखेगा, डिजाइन में आपके सामने आपके पास ये रहा पिवट टेबल स्टाइल्स। इसमें से आप अपनी पिवट टेबल की स्टाइल चूज कर सकते हैं जो स्टाइल आपको चाहिए। तो ये फॉर्मेटिंग पिवट के साथ रहेगा, जैसे पिवट वर्क करेगा ऐसे ऐसे ये भी वर्क करेगा। तो जो फॉर्मेटिंग आपको चाहिए वो फॉर्मेटिंग आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेटिंग की बात रही। दूसरा, इस पर अगर चार्ट वगैरह लगाना चाहे तो एनालिसिस में जाए या फिर नॉर्मल इंसर्ट चार्ट जो होता है उस पर जाके भी अपना चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। चार्ट इस्तेमाल करने से क्या होता है कि पिवट के साथ रहता है, जैसे जैसे पिवट अपडेट होता है, जैसे पिवट को आप चेंज करेंगे वैसे अपना चार्ट भी चेंज होता जाएगा। और खासियत है कि इसमें टोटल भी नहीं आएगा, देखिए टोटल नहीं आ रहा है इसमें, इसमें टोटल नहीं आएगा आपको। तो इस तरह से आप रिपोर्ट्स बना सकते हैं। अब चलिए एक और रिपोर्ट हम बनाने की कोशिश करते हैं। अब मुझे चाहिए यहाँ कि सिटी वाइज कैटेगरी वाइज हम क्वांटिटी का टोटल चाहते हैं कि किस सिटी में किस टाइप के कस्टमर ने कितनी क्वांटिटी सेल की है, ताकि हम मार्केटिंग में उसका टारगेट कर सके। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पे यह है कि आप मान लीजिए कि आपने एक क्या किया, कैटेगरी को आपने मान लीजिए यहाँ रख दिया आ गया आपके सामने, और आपने क्वांटिटी जिसका सम निकालना है तो आप यहाँ पे क्वांटिटी को रख दिए। अब क्वांटिटी में ऑटोमेटिक सम ऑफ क्वांटिटी आ गया, लेकिन सम केसेस में सम ऑफ क्वांटिटी नहीं आएगा अगर कोई ब्लैंक वगैरह हुआ है, कोई टेक्स्ट वगैरह हुआ। तो इसके साइड में जो यहाँ निशान दिख रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और चले जाइए वैल्यू फील्ड सेटिंग पे। यहाँ पे आपके चेंज कर सकते हैं कि काउंट चाहिए, सम चाहिए, क्या चाहिए, यू कैन चेंज हेयर। लेकिन यहाँ पे मुझे चाहिए सिटी वाइज। तो जैसे कि हमने इससे पहले वाली रिपोर्ट में देखा था कि हमने कॉलम में रखा था, रो में रखा था, तो हम भी इसी तरह के रिपोर्ट बनाने की कोशिश करने जा रहे हैं। जैसे हम सिटी को यहाँ रखेंगे तो
तो यहाँ एक प्रॉब्लम होगी। अभी तो पूछा नहीं, वरना आपको एक अलर्ट देगा, क्योंकि इसमें इस पे मैं इससे पहले बहुत बार पिवट लगा चुका हूँ, इसलिए अलर्ट नहीं दिया। बोला अलर्ट देता कि कॉलम 256 से ज्यादा ना रखें। अभी देखिए कितना लंबा कॉलम हो गया, इसको नेविगेट करने में कितनी प्रॉब्लम हो रही है। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब आपके पास जो फील्ड आप कॉलम में रखना चाहते हैं, अगर उस फील्ड की क्वांट काउंट बहुत ज्यादा है तो उसको आप कॉलम में ना रखें। तो उसको रखें कहाँ? तो आप उसको सब हेडिंग बना दें, जैसे कैटेगरी के नीचे आप सब हेडिंग बना सकते हैं, या सिटी वाइज। सही है, सिटी वाइज कैटेगरी चाहिए तो सिटी को हमने ऊपर रख दिया और कैटेगरी को नीचे रख दिया, तो हर सिटी का ये रिपोर्ट आपके सामने बन के आ रहा है। अब इसका एक और खासियत है यहाँ पे, देखिए एक सेकंड सर। सर माफ कीजिएगा, तो यहाँ पे यहाँ आप जैसे प्लस माइनस का निशान है, इसको भी आप कर सकते हो इस तरह से। यहाँ एक साथ करना है तो एक साथ यहाँ इससे कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपको सिटी वाइज रिपोर्ट आ गया, बड़ी लेंथी रिपोर्ट को आपने छोटा कर लिया। अब जैसे इसमें मैं मान लीजिए कि मैं जोन भी इसके ऊपर रख देता हूँ। यहाँ देखिए, अब यहाँ मैं कर्सर रखता हूँ और एनालाइज में जाके इस माइनस पे क्लिक करता हूँ, तो ये हमारा देखिए जोन वाइज रिपोर्ट है। अब एक जोन के जैसे नॉर्थ जोन पे क्लिक किया तो नॉर्थ जोन के जितने भी सिटी है उस सिटी का रिपोर्ट आ गया। अब मुझे किसी पर्टिकुलर सिटी का चाहिए, जैसे मुझे जो है बहारमपुर का चाहिए मुझे, तो इसमें क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए एनजीओ है यहाँ पे जो यूज करते हैं क्लाइंट। ऐसे में दिल्ली पे क्लिक किया तो दिल्ली में भी एनजीओ है, पुणे में भी एनजीओ है, इस तरह से भी कर सकते हैं। या फिर आप इसमें जो हमारे कैटेगरी है उसको कॉलम में भी रख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करें। मैं इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज मैं इसे प्लस कर देता हूँ। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज और होता है कि अगर इस तरह का रिपोर्ट हम तभी बनाएंगे जब हमारी जो रिपोर्ट हमें हम बनाते थे किसी न किसी को भेजते ही है ना, तो जिसको हमें भेजना है अगर वो पिवट टेबल के जैसे भेजे तो पिवट टेबल जैसे ना भेजे तो प्रॉब्लम होगी। एक सेकंड सर। तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगा कि देखिए अगर इसको कहीं कॉपी करके पेस्ट करते हैं, अगर आपने यहाँ पे किसको इसी को कहीं कॉपी करके किसी और सेल पे पेस्ट किया तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों दिक्कत होगी देखिए बताता हूँ। इसे मान लीजिए मैंने इसको वैल्यू पेस्ट किया, तो वैल्यू पेस्ट करते अब मुझे यहाँ पे अपना कस्टमर और सिटी में, सॉरी कैटेगरी और सिटी में कोई डिफरेंस ही नहीं दिख रहा है सर। प्रॉब्लम समझ में आई सर? लक्ष्य जी, मोहन जी, तो अगर आप इस डेटा को कॉपी करके अगर पेस्ट करके फिर इसके ऊपर कुछ करना चाहते हैं तो दिक्कत आपके सामने है। तो क्या करें इसमें? तो इसमें हम राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शन पे जाएंगे और हम डिस्प्ले में क्लासिकल पिवट टेबल कर देंगे, तो क्या होगा कि हमारे कॉलम एक स्ट्रायल हो जाएगी। पहले कॉलम में हमारा सिटी हो जाएगा, दूसरे कॉलम में हमारा कैटेगरी और तीसरे कॉलम में हमारा टोटल आएगा। या आप इससे भी नहीं करना चाहो तो आप डिजाइन में जाइए और यहाँ लेआउट में आपका आता है टेबुलर फॉर्म होता है, सो इन द टेबुलर फॉर्म या आउटलाइन करेंगे तो फिर भी उस तरह से भी आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे टोटल पुणे टोटल सब टोटल दिख रहा है। अगर आप सबको सब टोटल रखना है तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग सब टोटल नहीं रखते हैं, तो उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में राइट क्लिक और यहाँ सब टोटल सिटी को हटा देते हैं।
सब टोटल सिटी को हटा देते हैं। तो इस तरह से हो गया। लेकिन बहुत सारे, अब इसको कॉपी करके कहीं और पेस्ट जब करना ही है हमें, तो इसमें प्रॉब्लम होगा कि फिल्टर वगैरह अगर लगाना पड़ा तो फिल्टर वगैरह लगाने में दिक्कत होता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहां डिजाइन में, और यहां पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है रिपीट ऑल आइटम लेवल। तो देखिए रिपीट हो गया, तो एक तरह से इस तरह से रिपीट हो गया। तो फिर कॉपी पेस्ट करेंगे तो फिल्टर लगाने में आसानी होगी क्योंकि ब्लैंक फील कोई है नहीं। लेकिन कभी कभी जब हम रिपोर्ट बनाते थे, काम और करते हैं कि बिटवीन टू सिटी जब स्टार्ट होती है तो उसके बीच में एक ब्लैंक रो का गैप रखते हैं, तो उसके लिए भी आप इंसर्ट ब्लैंक लाइन करेंगे। तो देखिए हर सिटी के बाद एक ब्लैंक लाइन ऐड हो जाता है। अब मुझे ब्लैंक लाइन हटाना है तो आप यहीं से रिमूव कर दें, और मुझे ये रिपीटेशन को भी हटाना है तो डू नॉट रिपीट करें। और मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं मर्ज, कि ये सारा इकट्ठा मर्ज होके यहाँ पे एक सिटी दिख जाए। तो नॉर्मली हम यहाँ मर्ज करने जाएंगे तो मर्ज नहीं कर सकते हैं। तो मर्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं राइट क्लिक करूंगा और पिवट टेबल ऑप्शन पे जाऊंगा, और यहाँ देखिए मर्ज एंड सेंटर सेल्स विथ लेबल दिख रहा है आपको, उसको ओके करते हैं। अब देखिए आपका मर्ज हो गया। तो इस तरह से कर सकते हैं आप। दूसरा चीज, एक चीज और यहाँ पे है। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपको, मैं यहाँ से कैटेगरी रखता हूँ, सिर्फ सिटी हटा देता हूँ, और इसमें हम मैनेजर्स को हम कॉलम में रखते हैं। तो ये हमारा मैनेजर्स बाय टोटल है। अब मैं चाहता, ये देखना चाहता हूँ कि जो ये नीरज है, नीरज ने गवर्नमेंट सेक्टर में 4529 क्वांटिटी सेल की है, इनकी टीम ने सेल किया है, और मैं जानना चाहता हूँ कि किस किस कस्टमर को सेल किया। तो कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए जनरली लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जाके फिल्टर लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसके ऊपर आप डबल क्लिक कर देंगे यहाँ डेटा पिवट में, तो एक नई शीट ऐड होगी जहां पे वो डेटा कॉपी होके पेस्ट हो जाएगा। तो आपका डेटा एक नया शीट पे कॉपी पेस्ट हो जाता है। इस तरह से आप डेटा को डबल क्लिक करके कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोगों को डबल क्लिक करने की आदत होती है। मैं बहुत बार देखा हूँ कि बहुत सारे लोगों को डबल क्लिक करने की आदत होती है, तो उस केस में वो डबल क्लिक करते हैं तो उनको नया शीट आ जाता है, तो ये प्रॉब्लम हो जाता है उनके लिए। तो आप इस केस में पिवट टेबल ऑप्शन पे जाए और यहाँ टोटल डिस्प्ले इसमें डेटा में अनेबल शो डिटेल्स पे जब क्लिक करके ओके करेंगे, तो फिर जब वो डबल क्लिक करेगा तो यहाँ पे एक मैसेज आएगा और डेटा हमारा शो नहीं होगा। उसके बाद जब हम डेटा कभी कभी लेते हैं तो एक काम और भी होता है हमारे पास, जैसे कि हम यहाँ अब जैसे यहाँ देखिए जून को यहाँ रखे, तो इसमें बहुत सारी जगहों पे ब्लैंक सेल है। और ब्लैंक को हम ये करना चाहते हैं, मतलब कि ये ब्लैंक फिल हो जाए किसी से, जैसे मान लीजिए हम एन ए से या जीरो से ऐसे फिल करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। पिवट टेबल ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे सो एम्प्टी सेल आएगा, सो एम्प्टी सेल में आप यहाँ पे आप जीरो रख सकते हैं, जीरो या जो भी लिखना चाहते हैं। मैं एन ए लिखना चाहता हूं तो मैं एन ए भी लिख सकता हूँ, ओके कर दीजिए, वो आपको लिखा हुआ आएगा। तो पिवट टेबल में इसका इस्तेमाल हम करते हैं। कोई डाउट सर पिवट टेबल में अभी तक? सुजीत सर, आप जरा एक क्वेरी था,
जब हम लोग मर्ज करते हैं ओके तो मर्ज करने के बाद हम लोग उसको टॉप अलाइन करना चाहिए मुझे। जब मैं टॉप अलाइन करता हूँ टॉप अलाइन हो जाता है, अगर मैं कुछ और करने के बाद है ना वो अलाइन अपने आप चला जाता है सर। हाँ, वो इसलिए जाता है कि जब राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शन पे जाके देखे तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ऑटो फिट कॉलम विल अपडेट एंड प्री रिजल्ट सेल फॉर्मेटिंग ऑन अपडेट। इतनी इंग्लिश तो समझते होंगे आप कि मेरी हाँ, ओके, तो हम लोग तो भाई सरकारी स्कूल से पढ़े हैं ना, तो थोड़ी सी इंग्लिश पढ़ने में कमजोर है, इसलिए पूछ लेते हैं आप लोग हम भी सरकारी स्कूल से ही पढ़े हैं सर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि छठा क्लास में हम लोग ABCD पढ़े हैं। अरे हम भी रीजनल लैंग्वेज से स्कूल कॉलेज किया है सर। चलिए, तो यहाँ पे अनचेक कर देंगे तो फिर वो आपका नहीं होगा। और कुछ पूछना है? नहीं सर, ओके। और किसी को डाउट? नो सर। तो आज अभी जो मैंने चीजें पढ़ाई उसमें पिवट टेबल तो आप लोग जनरली यूज करते ही है ना सर? तो आज जो मैं पढ़ाया उसमें कुछ नया था कि नहीं था? था सर। रक्षित जी आप सर, बेसिकली हमारे ऑफिस में यूज होता है ना वो गूगल शीट पे करते हैं, तो उसमें ज्यादा ऑप्शन होते ही नहीं है। गूगल शीट तो अलग चीज है सर, और मैं गूगल शीट के ऊपर भी कुछ ट्यूटोरियल तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके। क्योंकि गूगल शीट में भी प्रोग्रामिंग वगैरह हो सकते हैं, वहाँ भी उसके जावा स्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग होती है सर। कुछ क्वेरी थी जी, बोलिए। इसमें अगर सर मैं हेडिंग्स का कलर अगर चेंज करना चाहूँ तो वो हो जाता है? कलर चेंज नहीं हो पाता एक तो इसका। नहीं, हमने आपको कलर की बात बोले ना कि आप नॉर्मली फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, यहाँ से लीजिए फॉर्मेटिंग जो करना चाहे कर लीजिए। ओके, ठीक है ना। लेकिन बात वही होती है जब आप अपडेट करेंगे, तो मान लीजिए बेस तक है, अगर इसके आगे ऐड हुआ वो चेंज होता है, वो चेंज होता है, रिफ्रेश करने पे चेंज होता है। हाँ, तो वही प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैंने बोला कि डिजाइन आप लीजिए, क्योंकि पिवट टेबल इंक्रीज डिक्रीज होते रहता है ना सर, इसलिए सर। एंड अगर सर मैं इसमें क्वार्टर भी लगा देता हूँ कॉलम वाइज, मुझे उस क्वार्टर के अंदर जैसे एक बार अब मैंने सर इसमें एक बार जोन हटा दीजिए, एक बार जोन हटा दिया और एक कॉलम और ले लीजिए सम के अंदर लास्ट वाले में कोई सा भी एक। अच्छा हाँ, मैं अमाउंट का टोटल लेता हूँ। हाँ, जैसे सर Q1 में सम ऑफ क्वांटिटी और सम ऑफ अमाउंट आ रहा है, अपने Q2 आ रहा है, मैं जाता हूँ पहले Q1 का जितना भी सम ऑफ क्वांटिटी है वो एक पहले आ जाए Q1 के अंदर और उसके बाद वैसे चालू हो क्वार्टर। मतलब कि आप पहले चाहते हैं क्वांटिटी सब सबका क्वांटिटी आ जाए फिर सबका अमाउंट आए। हाँ, कंपैरिजन करने के लिए अगर कुछ ऐसा ऑप्शन रहता है इसमें। देखिए ऐसे आप इसको मूव कर सकते हैं, वो आगे क्लास में बताने वाला सभी बता रहा होगा, आप इसको मूव कर सकते। अच्छा, वो मूव हो जाता है यहाँ पे? नहीं, मूव नहीं, रो इसमें नहीं करता सर, वही मैंने करने की कोशिश करी थी इसको। नहीं, मूव आप इसको कर सकते हैं। हाँ, ये तो मूव हो जाता है सर ऊपर नीचे। नहीं, ये नहीं होता, ये सीक्वेंस में चलता है सर। या क्वार्टर मैं कर सकता हूँ, क्वार्टर तो मैं कर सकता हूँ, ये वाली नहीं हो पाती सर। अगर मैं शॉर्ट करे, नहीं शॉर्ट भी तो वही होगा सर, क्वार्टर भी चाहिए। नहीं कर सकते, हाँ, क्योंकि इस पे आता है ना सर, इसके अकॉर्डिंग चलता है सर, इसलिए सर। वो इसीलिए। एंड सर एक जनरल क्वेरी था सर, एक केस में मान लीजिए मेरे पास कुछ डेटा में पेंडिंग और अप वो लिखा हुआ है बेसिकली, अब मुझे उसमें से वो फाइंड कर मतलब फिल्टर हटाना है कि पेंडिंग वाला ही मुझे देखना है खाली। मतलब कि कहाँ पे पेंडिंग है कहाँ पे? जैसे मैं कॉलम एक अपन डेटा बना सकते हैं नहीं, नहीं, मतलब कि अगर आप फिल्टर की बात करते हैं तो कल की क्लास में आपको फिल्टर ही पढ़ाने वाला हूँ। ओके। तो कल फिल्टर सॉर्टिंग, सॉर्टिंग फिल्टर मूविंग ग्रुपिंग इन सब चीजों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज मैंने बात की डेटा समराइज़ेशन। वो प्राइवेट का फिल्टर नहीं है, प्राइवेट वाला नहीं है। वो नॉर्मल फिल्टर जो हमने पहले पढ़ा था उससे रिलेटेड था। अच्छा, फिल्टर बताइए। हाँ बोलिए, क्या फिर प्रॉब्लम बताइए। जैसे मान लीजिए
कुछ भी अब 5-6 जनों के नेम है बेसिकली, जैसे रवि, योगेश, उदय, नीरज, मान लीजिए। अब जो सेल्स पूजा आ रहा है यहाँ पर हमने लिखा हुआ है पेंडिंग, और फिर नीचे वाले में कंप्लीट है, और ये जो सी आगे एच कॉलम है इसमें भी किसी का एक पेंडिंग है, आगे इस तरह से 8-10 कॉलम अपने भरा हुआ पेंडिंग। या देखिए उसके लिए आपको एडवांस फिल्टर लगाना पड़ेगा, यूट्यूब पे जाइए एडवांस फिल्टर की मेरी वीडियोस देखिए, वहां आपको समझ में आ जाएगा सर। ओके ठीक है, डेटा मेनू बार में एडवांस फिल्टर होता है, उसको पढ़िए समझ में आ जाएगा। दिक्कत होगी तो फिर मैं बता दूंगा आपको, ये आगे के टॉपिक एडवांस फिल्टर, तो फिलहाल आप वहां से देख लें फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सॉर्टिंग, फिल्ट्रेशन वगैरह और ग्रुपिंग वगैरह। ठीक है, पिवट से। और एक डैशबोर्ड की अपनी क्लासेस कब से हो सकती है कुछ? अभी डैशबोर्ड लाइक पहुंचिएगा तभी तो, डैशबोर्ड होगा फॉर्मूला वगैरह सीखिएगा तभी तो, अभी डैशबोर्ड में सारा ऊपर से निकल जाएगा आपको। क्योंकि एक सर मेरे को प्रोजेक्ट तैयार करना था इसीलिए। नहीं तो वही बात है ना कि जब तक उस लायक उस मुकाम तक पहुंचेंगे तो कैसे बताओ। पिवट के बाद आपको हम पिवट डैशबोर्ड बताएंगे, पिवट खत्म होगा ना तो पिवट डैशबोर्ड बताएंगे आपको। ओके ठीक, ओके थैंक यू।